मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। बात करेंगे दोस्तों परिस्थिति इस समय क्या आलू की चल रही है। सुगर फ्री वेल्ड संभल में, संभल दोस्तों 65 से 70 लाख बोरी की कैपेसिटी है लगभग। संभल के बारे में बताऊंगा, यहाँ से सबसे ज्यादा NCR के लिए लोडिंग होती है, दिल्ली आजादपुर जैसी मंडियों में आलू की लोडिंग होती है। तो यहाँ निकासी के बारे में बात करते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, संभल वाले किसान क्यों इतनी घबराहट उनके अंदर फैली हुई है, क्या माहौल चल रहा है इस समय, क्या स्थिति है, कितनी निकासी होगी, आलू कितना बचा हुआ है वहां पे बिक्री के लिए और कितना बीज रहता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरा, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव। सोशल मीडिया के दोस्तों जितने तो बड़े फायदे हैं उससे ज्यादा बड़े नुकसान भी हैं, क्योंकि कुछ लोग इस समय बिल्कुल सीधा सीधा किसान के विरोध में काम करने का काम कर रहे हैं। वो लोग नहीं मानते कि आगरा में 1400 रुपए कट्टा, 1450 रुपए कट्टा, 1500 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है। दोस्तों, राधे राधे कोल्ड स्टोर खंदौली में 1491 रुपए आलू बिका कल, ठीक है, उससे 2 दिन पहले 1500 रुपए में आलू बिका एलमार का, ठीक है। खंदौली की अगर हम बात करें तो खंदौली में जो VVIP आलू के दाम, में VVIP आलू के दाम बता रहा हूँ, 1400-1450 रुपए, 1470 रुपए, 80 रुपए तक आराम से बिक रहे हैं। हल्के आलू 1200 रुपए से लेके 1300-1350 रुपए, 1400 रुपए तक बिक रहे हैं। गुल्ले दोस्तों जो 1200 रुपए बिक रहे थे वो 1000 से लेके 1100 रुपए तक बिक रहे हैं, 100 रुपए के टूटे गुल्ले में। दूसरा एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस समय कि कुएं के मेढक, आपको पता है कुआ अगर मेढक, मतलब जैसे मेढक कुएं में रहता है, अगर कोई कुएं का मेढक है तो वो जो मेढक जो कुएं में रहता है उसको ये लगता है कि यही सारी दुनिया है, इसके अलावा दुनिया है ही नहीं, आपको पता है। तो कुछ लोगों ने स्थिति अपनी परिस्थिति ऐसी बना ली है कि जैसे दिल्ली आजादपुर है तो कुछ यूट्यूब चैनल वाले सिर्फ मंडी में घूमते रहते हैं और उनको ये लगता है कि आलू का मार्केट सिर्फ यही है, जबकि दिल्ली आजादपुर मंडी की क्षमता मात्र 40 या 50 गाड़ी बिकने की है, जो भी 200 से लेकर 250 कट्टे की गाड़ियां होती है। उंगली उठाते हैं साउथ की मंडियों के ऊपर, जो एक एक मंडी 50-50, 60-60 गाड़ी डेली आगरा की बेच रही है। कम से कम दोस्तों मैं एक बताऊं, एक विश्लेषण के तौर पर 600 से लेकर 700 गाड़ी डेली आगरा से निकलती है साउथ के लिए, 800 गाड़ी तक, आप समझ रहे मेरी बात को। मैंने कल उंगलियों पर गिनी तो 200 से लेकर 250 गाड़ी तो मैंने गिन ली 2 मिनट में, जबकि इतनी मंडी है साउथ में कि पूछो मत, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटका की बात करें और MP की बात करें, मध्य प्रदेश की जो तो अपना लगा हुआ राज्य है, और आपकी कहीं की भी बात कर लें दोस्तों, तमाम मंडी है और आगरा जो हब है जो आलू का, यहां से तमाम तरह की दोस्तों स्पीड मतलब खूब लोडिंग होती है। कुएं के मेंढकों को ये लगता है कि यही दुनिया है आलू की, दिल्ली आजादपुर मंडी, इसके अलावा तो दुनिया आलू की है ही नहीं। आगरा में जो 30 जैसे खदौली की बात करें तो लगभग 40% के आसपास निकासी हो चुकी है, तो 40% निकासी में आलू बिका है किसानों का। तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुमने आलू, मतलब एक एक किसान ने आलू अपना 1250 से लेकर 1450-1500 रुपए तक आलू बेचा है। इन कुएं के मेढकों से ये पूछो कि इनने अभी दुनिया देखी नहीं है, मंडी में घूम लेते हैं तो समझ लेते हैं यहीं से भविष्य तय होगा आलू का। आढ़तियों की आढ़त है, पैसा लेकर चलवाना अलग बात है, किसानों को घूम घूम कर खेतों में पैसा दिलवाना अलग बात है। किसानों को सटीक जानकारी, व्यापारियों को सटीक जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देना, इसे बोलते हैं मेहनत, ठीक है। तुम लोग सिर्फ भ्रम फैलाना, तुम लोग एक दूसरे का प्रचार करना, बीज विक्रेताओं का प्रचार करना, एक बंगाल का हैदरमा का यूट्यूब चैनल वाला इस समय अपने यूपी में घूम रहा है, मैं तो हैरान हूं कि जो हमारे यहाँ के जो अच्छे प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है जो बढ़िया चल रहे हैं वो भी उसको अपने संग लगाए घूम रहे हैं। संग लगाए इसलिए घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया बंगाल के कुछ लोग उनसे भी जुड़ जाएं, ठीक है। या आप ये समझ लो कि हम तो ये चाहते हैं, शर्मा जी के विरोध में अगर कोई है तो उसके ये समझ लो कि उसके हमारे विरोधियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी दिन पे दिन, क्योंकि हमारा काम क्या है, हम घुमा फिरा के बात करते नहीं है। बहुत से लोगों ने क्या किया कि अरे आलू में तो जल्दी जल्दी धमाका होने वाला है, आलू में तो जे होगा, आलू इतना घुमा फिरा कर किसानों को कंफ्यूज किया। शुगर फ्री बेल्ट वाले एक भी दिन दिल्ली NCR की मंडियों के बारे में किसी ने खुल के बोला हुआ, ठीक है। अब ऐसा सिस्टम बना लिया है, जो आदमी कह रहा है कि हसन में अब किसके दांते, अब क्या फेविक्विक लग गया मुंह पे, हसन में जो नुकसान हुआ है, जो 60% फसल वहां की जो जल्दी लगी थी उसमें दोस्तों बारिश की वजह से काफी नुकसान बताया जा रहा है, उसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी। ये क्या हो गया, अब क्या सारे तंत्र फेल हो गए लोगों के, सिर्फ हाइप बनाकर किसानों का नुकसान कराने का लोग काम करते हैं। हमारे आगरा में दोस्तों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अब मैं आगरा अपने खंदौली टूंडला और अपना सिकोवा सिरसागंज यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे दोस्तों किसानों को सबसे ज्यादा भरपूर पैसा मिल रहा है आलू में, सबसे महंगा यहाँ के किसानों ने इस साल आलू बेचा है। सूर्या जैसे ब्रांडेड आलू से महंगा हमारे यहाँ का 37-97 आलू बिक रहा है,
इन कुएं के मेंढकों को बताया जाए कि भैया देख लो आके तुम्हें आगरा में कि आलू बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। ये लोग इस बात को भी नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि कोल्ड स्टोर मालिक फर्जी पर्ची दौड़ा रहे हैं। इनको ये आइडिया नहीं है। किसानों को इतना भी बेवकूफ मत समझो जितने आप लोग अपने दिमाग से आंकलन लगा रहे हो। किसान को सब पता है कि तुम्हारी क्या स्थिति है और तुम कितने पानी में हो। ठीक है, तुम लोग पैसा लेकर काम करते हो, पैसा लेकर आढ़तियों का प्रचार करने में लगे हुए हो। जो व्यापारी, जो आढ़ती, जो वहां पे जो दिल्ली आजादपुर में आलू लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों से सस्ता आलू खरीद के ला रहे होंगे। संबल के बारे में बात करूंगा, शुगर फ्री की बहुत बड़ी बेल्ट है। छोटा सा दोस्तों निकासी के बारे में लोग मेरी सारी बातें करते हैं, तो संबल के बारे में बात करूंगा। दोस्तों संबल में स्थिति क्या है पता है आपको? संबल की जो निकासी की वो रिपोर्ट है वो 38 से 40% की है। 38 से 40% दोस्तों निकासी हो चुकी है संबल में। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताऊं दोस्तों के जो निकासी जो है ना वो पिछली साल से लगभग 10% ज्यादा है। जो पिछली साल अब तक निकासी थी उससे 10% आलू की निकासी ज्यादा है संबल में। ठीक है, दूसरी चीज लगभग 65 से 70 लाख बोरी की कैपेसिटी है दोस्तों संबल की। 30% आलू यहाँ पे सीड का रहता है कोल्ड स्टोरों में, 40% निकासी और प्लस 30% आलू निकल गया 70%। ठीक है, 65 से 70% मान लो आलू कितना बचा, 30%। अब 30% में आप समझ सकते हैं कि 30% के लिए अब समय कितना बचा है। कोल्ड चलते हैं यहाँ पे दोस्तों 15 नवंबर तक 31 अक्टूबर तक, फिर भी किसानों को डराया जाता है क्या? शुगर फ्री वालों ने क्या ऐसा कर दिया अपने किसानों के लिए जो किसानों को फायदा दिलवाने का आज तक काम किया है, बताओ आप मुझे? शुगर फ्री वालों ने आज तक, हम झूठ में, हमारे यहाँ अगर किसी कोल्ड में किसान का शोषण होता है तो उस बात को खोलकर कहते हैं। हमारे यहाँ के कोल्ड वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग एक इस साल एग्जाम्पल बन के तैयार हुए, चाहे खंदौली के हो, चाहे टूड़ला के हो, चाहे सिरसागंज के, चाहे सुखाबाद के। आप लोगों के सहयोग से ही इस समय आलू की जो रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं। व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग समझता हूं मैं। जिन जगहों पर, जिन मंडियों में किसानों की कटाई चल रही है धुआंधार, उन मंडियों के बारे में तुम प्रचार प्रसार कर रहे हो और फिर गाली दे रहे हो तुम आगरा के यूट्यूब चैनल वालों को। हमने फर्जी, अगर कोई आदमी फर्जीफिकेशन करेगा तो उसके बारे में फर्जी कही जाएगी कि महाबेईमान कही जाएगी उस आदमी को। उम्र से अकल का अंदाजा नहीं होता है। उम्र अगर किसी की बढ़ गई है तो इससे अकल नहीं आ जाती है। तुम किसानों को भ्रम फैलाकर, किसानों में घबराहट पैदा कराकर नुकसान कराना चाहते हो और अपने पूंजीपति स्टॉक को फायदा कराना चाहते हो। इन चीजों को मैं बाखूबी जानता हूँ, इसलिए जितने ही ज्यादा आप बोलोगे उतना आप फंसोगे। शांति से अपने काम पे ध्यान लगाओ। खूब पैसा मोटा कमा लिया, खूब आढ़तियों को प्रचार कर लिया, खूब मंडी चलवाने का काम कर लिया। ठीक है, इस चीज से कोई जुटा नहीं सकता। दुनिया में इस समय पूरे भारत में सबसे सस्ता आलू दिल्ली आजादपुर की मंडी में बिक रहा है। और दोस्तों जो जनता 50 रुपए किलो दिल्ली में आलू लेके खा रही है, और उस किसान का जो एड़िया रगड़ रगड़ के गर्मियों में और ठंड में दोस्तों मेहनत करता है अपने खेतों में, उसका आलू 22 रुपए किलो बेचकर और फिर तुम दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, और तुम कह रहे हो कि अगर साउथ की मंडियों में से पैसा नहीं आता है, इसका मतलब साउथ की मंडियों में से पैसा नहीं आता है तो आगरा का तो आलू बिकेगा नहीं। इस कदर आप लोगों ने, मतलब तभी तो मैं कहता हूँ कुएं के मेंढक, बाहर निकल के देखो दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इतना ही जवाब मेरे हिसाब से काफी रहेगा। समझने वाले इतने से ही समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले तो चिकने घड़े हो गए उनको, उनके ऊपर तो दोस्तों कितना भी आप समझ सकते हैं। बात करें मंडियों की, जिस कदर माहौल बना रखा है मंदे का, उस हिसाब से मंडियों में मंदा है कि नहीं ये भी जान लो। चेन्नई मंडी 17 गाड़ी की आमदनी, वीवीआईपी आलू का 34 से 35 बिकाए, हल्की क्वालिटी का 30 से 32, हाइब्रिड आलू 28 से 30। कल चेन्नई में 34 रुपए किलो तक आलू बिके थे, आज 35 रुपए किलो तक बिके हैं। बात करें, और दोस्तों कुछ लोगों को, बेवकूफों को आइडिया ही नहीं है कि तिरछी, अगर चेन्नई कोई आदमी आलू बेचता है तो कितना घाटा है। लोग कहते हैं 200 रुपए कट्टा तो साउथ का भाड़ा लगता है, साउथ का भाड़ा 300 रुपए कट्टे से ऊपर है चेन्नई का, पर चेन्नई में आलू 35 रुपए किलो बिक रहे हैं। अब दिमाग लगा लेना अपना, अगर 6 रुपए किलो का, 6.5 रुपए किलो का भी खर्चा है चेन्नई में तो 2800 रुपए किलो, 1400 रुपए कट्टे से ऊपर के पैसे तो चेन्नई में से आते हैं। अकल के दुश्मनों, तुम्हें अकल कब आएगी? तुम्हारी अकल, तुम लोगों के लिए मैं अगर कहीं एड्रेस दे देता जहां पे अकल बट रही होती, अब वो भी तो नहीं मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने तो एक विरोधियों की टोली इकट्ठी कर ली है ना, किसानों को सिर्फ गुमराह करके नुकसान कराने का काम करना चाह रहे हो तुम लोग। तुम्हारे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जिसने मेहनत की है ना वो अपनी जिस दिन वैल्यू समझ लेगा उस दिन तुम लोगों के यहाँ ताले लग जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। बेंगलोर मंडी दोस्तों 54 गाड़ी की आमदनी रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं 32 से लेकर 33 रुपए किलो तक, 30 से लेकर 32 रुपए किलो, सॉरी 1 रुपए किलो की आज गिरावट है। हल्की क्वालिटी का आलू 30 से 31 रुपए, हाइब्रिड आलू 26 से लेकर 29 रुपए किलो तक। बात करें मेट्रोपालम की, तो आगरा का आलू बिका 37-38, हल्की क्वालिटी का 34-35, गुजरात का 35-36, हल्की क्वालिटी का 34-35,
पूना मंडी की बात करें 25 से 26 गाड़ी वीआईपी आलू 30 से 31 तक बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 27 से 28 और हल्के 26 से 27 तेजी बरकरार है। बात करें गुवाहाटी मंडी की तो आगरा का आलू आज दोस्तों 31 से 32 रुपए तक बिका है, हल्की क्वालिटी का 28 से 29, फरुखाबाद का आलू 30 से 31 हल्की क्वालिटी का 28 से 29। बात करें जयपुर मंडी में दोस्तों आलू की बिक्री आज हुई है 25 से 26 रुपए किलो वीवीआईपी, हल्की क्वालिटी का 23 से 24, हॉलैंड 27 से 28 हल्का बिक रहा है 25 से 26, लगभग 50 से 55 गाड़ी की आमदनी। बात करें दोस्तों कानपुर की तो कानपुर में दोस्तों थोड़ी सी डाउन है, वीवीआईपी गोल्ले 22 से 23 हल्के गोल्ले 20 से 21, मोटा आलू हल्का 20 से 21 बढ़िया आलू 22 23, हॉलैंड बिक रहा है 25 27, चिप्सोना बिक रहा है 25 26, 50 गाड़ी की आमदनी। बात करें तेलंगाना महबूब नगर की वीवीआईपी आलू 34 से 35 हल्की क्वालिटी का 30 से 31, हैदराबाद मंडी में आगरा जो 302 आलू है 33 से 34 हल्की क्वालिटी का 31 32 37 97 बिक रहा है 28 से आपका 37 रुपए किलो तक और हल्का 27 से 28 रुपए किलो तक। बंगाल में दोस्तों आज 20 रुपए किलो की 20 रुपए कट्टे की गिरावट है, वीवीआईपी आलू जो 1370 बिक रहे थे वो 1350 बिक रहे हैं, गड्ढ बिक रहा है 1150 केवाईस बिक रहा है 1200 से 1250, मालदा का पुखरा 950 से 1000 और दोपुड़ी का ज्योति बिक रहा है 1050 से लेके 1100 रुपए तक। बात कर लेते हैं दोस्तों निकासी की, और निकासी सुपरफास्ट है बंगाल में और गुजरात में भी निकासी सुपरफास्ट चल रही है धुआंधार, ठीक है। मुंबई मंडी की बात करें दोस्तों तो आज लगभग 40 गाड़ी की आमदनी है, ओ नहीं नहीं 40 की गायको आज लगभग है दोस्तों, आज कम आलू पहुंचा है, कल की बैलेंस गाड़ी बहुत बच गई थी, आज आलू मात्र पहुंचा है 17000 कट्टे के आसपास, ठीक है। आज तो लगभग 34-35 गाड़ी की आमदनी है, कल की गाड़ी करीब 20-22 खड़ी थी, तो दोस्तों मिलाकर आज वीवीआईपी आलू बिके 27-28-29 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी के 26-27, गीला आलू 25-27, शुगर फ्री 28-29-30 हल्की क्वालिटी का 26-27, एमपी का ज्योति 30-31 रुपए किलो। दिल्ली आजादपुर में 99 गाड़ी की आमदनी है, भाव की आप लोग अंदाजा लगा लेना कि आज भी धुआंधाड़ हुई है, ये समझ लो मतलब स्थिति ये है कि शर्म आनी चाहिए लोगों को कि लोगों ने कैसा माहौल मंडी में बना रखा है, ठीक है दोस्तों। मंडी प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेता है मंडी प्रशासन, इनके फड़े छोटे छोटे कर दिए, उन्हें मालूम है कि 40-50 गाड़ी बेच पाते हैं और भविष्य बताते हैं पूरे भारत के आलू का, मतलब 50-40 गाड़ी की औकात है इनकी आलू बेचने की और भविष्य बताएंगे पूरे भारत में आलू का क्या होगा, हसन तक की रिपोर्ट देंगे, कब तक इन फर्जी लोगों का सहारा लेते रहोगे, किसी दिन लुटिया डूब जाएगी कानपुर मंडी की तरह, ठीक है। आज कानपुर दोबारा से उभरी है, वो अपने कर्मों से दोबारा उभर के आई है। तो दोस्तों सोशल मीडिया का दुरुपयोग जितना कर रहे हैं लोग करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ कोई फर्क नहीं है 1% भी, ठीक है। तुम कुछ भी करो, तुम जो आदमी किसान के विरोध में चल रहा है उसको खूब उठा उठा के गोद में घूमो, ठीक है। जो आदमी भ्रम फैला रहा है हसन के नाम पर, जो बीज विक्रेताओं के प्रचार प्रसार में लगाए, देखो एक तबका है, हम तो ये कह रहे हैं हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं दोस्तों किसान के विरोध में, तो एक व्यापारियों के हित में किसके हित में काम कर रहे हो ये तो क्लियर कर दो, जिससे हमारा किसान जो है वो गुमराह होने से बचे, ठीक है। हम बहुत मेहनत की है दोस्तों, दिन भर गाली खाते हैं गाली देते हैं और इसी से काम चलता है, अगर हम नई लोगों से कहेंगे तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। बात करते हैं दोस्तों एक और चीज की, कल एक किसान भाई है हमारे फोन आए, उनके वीडियो देख रहे होंगे 100%, उन्होंने कहा शर्मा जी मेरे पास 5000 कट्टे रखे हुए हैं, मैंने बताइए साहब कि एक दाना नहीं मैंने बेचा है, तो मैंने कहा आप फोन काट दीजिए तुरंत भाई साहब, कि क्यों, मैंने इसलिए काट दीजिए क्योंकि आप हमारे कैटेगरी में नहीं आते हो, हमने आपसे निवेदन किया था कि आलू की बिक्री हर रेट में करते रहो शुरुआत से, आप 5000 कट्टे पैदा किए 5000 ही रख के बैठे हो, क्यों नहीं बेचा आपने धीरे धीरे करके आलू, अरे मैं नहीं बेच पाया शर्मा जी अब आगे क्या होगा, मैंने भविष्य की तो शर्मा जी को पता ही नहीं है, भविष्य की पता होती शर्मा जी अपना आलू क्यों बेचते, चुप, मैंने कि आपने बहुत गड़बड़ काम किया, धीरे धीरे बेचते रहते तो आपको 1400 का भी मुंह लग जाता भाव, 1300 का भी मुंह लग जाता, 1050 का भी लगता, सब तरह के रेट लगता, आज जिनने आलू बिक्री करी है लगभग 30-40% टेंशन फ्री बैठे हैं, हो जाए 150 रुपए ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ने वाला है, जब फिर भाव आ जाएगा तब बेचेंगे। इस समय कोल्ड स्टोरों पर सबसे ज्यादा आलू की बिक्री करने वाले वो किसान है जिन्होंने दाना नहीं बेचा है और सबसे ज्यादा परेशान इस समय वही है, बाकी दोस्तों भाव वही चल रहे हैं, तेजी बरकरार है आलू में, इसको 1200-1300-1400 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है, इसको तेजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसकी भी एक परिभाषा है, ठीक है भैया। लोगों को लग रहा है कि मंदा हो गया है दोस्तों, तेजी इसे ही कहते हैं जो चल रही है इस समय। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, इन विरोधियों को जरूर शेयर कर देना मेरा वीडियो, ठीक है, तो इनको कम से कम मालूम पड़ जाए कि आलू का आ क्या होता है। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।